नोमई एक खुद साख्ता साजिशी सानहा, जिसको करने वालों ने इस मुल्क में एक दरिंदगी का खेल खेला और पाकिस्तान को एक बंद गली में धकेल दिया। 8 फरवरी को अवाम ने सरकारी बयानी को दफन कर दिया, लेकिन 9 मई साजिश के कुछ सवालों का जवाब आना बाकी है। ये जरूरी है कि इस साजिश के पीछे भयानक चेहरों को बेनकाब किया जाए। सवाल नंबर 1, रेंजर्स ने किसके कहने पर हाई कोर्ट पर हमला किया? जब इमरान खान ने यह ऐलान कर दिया था कि वो पुरअमन और कानूनी तरीके से गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, तो किसने यह हुक्म दिया कि रेंजर्स के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमला किया जाए और इमरान खान को कॉलर से घसीटा जाए और फिर इस वाकये की वीडियो सारे मुल्क में फैलाई जाए? यह लाजिम था कि इमरान खान से वालहाना मोहब्बत करने वाले ये मनाजिर देखकर शदीद रद्द अमल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाजिया कर दिया कि 9 मई की इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। सवाल नंबर 2, IG पंजाब की निगरानी में पंजाब पुलिस आए दिन PTI पर जुल्म और जबर का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। 9 मई को जब मुश्तहिल अवाम लिबर्टी से कैंट की तरफ जा रही थी, तो पंजाब पुलिस के बहादुर कहां थे और किसने पंजाब पुलिस को पीछे हटने का हुक्म दिया? सवाल नंबर 3, कैंट की हदूद के दाखिले पर तैनात मिलिट्री पुलिस को किसने हटा दिया? सवाल नंबर 4, कोर कमांडर हाउस का सिक्योरिटी दस्ता किसके हुक्म से गायब हो गया था? सवाल नंबर 5, कोर कमांडर के घर का मेन गेट क्यों आराम से खोल दिया गया और मुश्तहिल अवाम को घर में दाखिल होने की दावत दी गई? सवाल नंबर 6, किसके हुक्म पर गैरिसन सिक्योरिटी फोर्स और क्विक रिस्पांस फोर्स कोर कमांडर हाउस नहीं पहुंचे, जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी थी, और मिलिट्री की इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां थी, जिनका काम था कि अवाम के इस रद्द अमल और कैंट की जानब बढ़ने पर फौरी तौर पर तमाम सिक्योरिटी दस्तों को मुतहर्रिक करते? सवाल नंबर 7, कोर कमांडर हाउस की CCTV फुटेज कहां है? 1 साल गुजरने के बावजूद इस सबूत का कोई जिक्र नहीं। सवाल नंबर 8, कोर कमांडर लाहौर जनरल सलमान फयाज गनी को क्यों ओहदे से हटा दिया गया? शायद वो इस घिनौनी साजिश का हिस्सा बनने से इनकारी थे। बादियुल नजर में यह लगता है कि पूरी साजिश में कोर कमांडर जनरल सलमान फयाज गनी और उनकी फैमिली को हलाक करना भी मकसूद था, जो कि जनरल सलमान फयाज गनी की होशमंदी और मुहिब वतन होने की वजह से नाकाम हो गई। सवाल नंबर 9, क्यों इस वाकिया की जुडिशियल इंक्वायरी नहीं करवाई जा रही, जबकि PTI मुसलसल इसका मुतालबा कर रही है और अदालतों में दरख्वास्तें दी हुई हैं? ISPR इस वाकये को पाकिस्तान का 9/11 कह रहे हैं। लगता है ISPR के नजदीक आर्मी स्कूल की 140 मासूम जानों की निस्बत सीमेंट और ईंट की इमारत की ज्यादा अहमियत है। जब भी आजादाना तहकीकात होंगी, तो इस वाकये के पीछे छुपे भयानक किरदारों के चेहरे बेनकाब होंगे, जिन्होंने जुल्म, बर्बरियत और पाकिस्तान से गद्दारी की एक दास्तान रकम की है।